आंखों के पल कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर मैं मौसम की सर या सर्द में तो What is up guys, this watch is editor lucky channel and welcome back to the brand new video. तो guys स्कूल में लाके आ चुके हैं एक नए और वीडियो के साथ वापस. तो guys मुझे पता है बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि आप सबको पता ही है मेरा मेन चैनल लकी एडिट्स जिसमें 50 के प्लस सब्सक्राइबर थे वो हैक हो चुका है. अब उसे क्या ही बोले, अब इसमें मेरी भी गलती थी. तो guys फाइनली अब क्या करें, मेरा एक नंबर ही तो चला गया है, टैलेंट तो आज भी मेरे पास ही है ना. तो गाइस इसी के साथ हमने फिर से शुरू किया है. तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करके रखना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे, क्योंकि मैं अब हर रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा. तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दे देना. तो गाइस अब शुरू करते हैं हम इस स्टेटस को कैसे एडिट कर सकते हैं. तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो कल जाके सिंपल से डाउनलोड कर लेना. तो गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप जो भी रेशियो लेना चाहते हो वो ले सकते हो. मैं 1:1 का रेशियो लेता हूँ और रेजोल्यूशन 720p लेता हूँ और फ्रेम रेट 30fps लेता हूँ और ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ. तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपल से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट में जाना है. तो गाइस यहाँ से सिंपल से टेक्स्ट लिख लेना है, बट सबसे पहले आपको सॉन्ग लेना है. तो सॉन्ग के लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा. इमेज एंड वीडियो में जाके आप किसी भी स्टेटस का वीडियो का ले सकते हो या फिर MP3 में भी ले सकते हो. तो सिंपल से मैंने अभी एडिट किया है उसे ले लेता हूँ. तो गाइस ये देखो मेरा स्टेटस आ चुका है. तो गाइस इसको मैं ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देता हूँ और ओरिजिनल वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ. तो गाइस ये सिंपल से हमने पहले टेक्स्ट लिया था इसको ही हम ले लेते हैं. और यहाँ पे आपको सिंपल से आपको पहले सॉन्ग सुन लेना है. तो गाइस क्या है, तो हाँ ऐसे बोल रहा है. तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला लेटर लिख लेना है और इसका साइज थोड़ा इतना कर लेना है और फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके सिंपल से डाउनलोड कर लेना. तो वैसे फॉन्ट लेके यहाँ से आपके कोई भी कलर ले सकते हो, मैं सिंपल से ये वाला ले रहा हूँ. तो वैसे इसे डन करने के बाद आपको जितना जहाँ तक वो आता है वो देखो, तो यहाँ तक मेरा आता है. तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और इसे फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट पे ऐड टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आगे का जो है वो लिख लेना है. तो मैं यहाँ से थोड़ा से लिख लेता हूँ. तो कैसे इससे बराबर कर लेता हूँ. तो कैसे यहाँ से इसे कट कर देते हैं. तो इतना होने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम टेक्स्ट में जाके. इसका कलर हम वाइट कर लेंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे इतना. और इसके बाद हम इसका फॉन्ट ले लेते हैं. तो वैसे सारे फॉन्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सिंपल से डाउनलोड कर लेना. तो इसको इधर रखता हूँ और ये टेक्स्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ले ले रहा हूँ. तो बस इस तरह से हमारा स्टेटस रहेगा. तो सारे लिरिक ऐसे ही लिखने हैं. तो बस मैं आपको दो ही लिरिक में सारा सब कुछ समझा दूंगा, क्योंकि आपको सारे लिरिक पे इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिंपल से आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या करना है. तो बस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना. और कोई भी अगर मैं स्टेप भूल जाता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा. तो चले फिर पहले हम ये एच को ले लेते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं. यहाँ पे एक टिक लगा देना है और थोड़ा सा आगे आना है, 1-2-3 सेकंड या थोड़ा सा यहाँ पे एक टिक लगाना है. फिर एंड पे आ जाना है, यहाँ पे एक टिक लगाना है और एक टिक यहाँ पे लगाना है. तो वैसे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं और इसे पूरा नीचे कर ले ऊपर कर लेते हैं. बस इतना कर लेना है. फिर यहाँ बीच में आना है और यहाँ पे ग्राफ बना लेना है आपको ऐसा इस तरह का. तो वैसे इतना होने के बाद सिंपल से इस एंड वाले इसमें आना है और इससे पूरा नीचे कर लेना है इतना, और यहाँ पे आना है और यहाँ से भी इस तरह से ग्राफ बना लेना है. वैसे आपके हिसाब के आपके हिसाब से आप जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते. तो हमारे लिए भी कैसे आएगा और ऐसे चला जाएगा. तो भाई सिंपल से अब हम नीचे भी इस तरह से डॉट वो कर लेते हैं टिक करके. तो बस इतना करने के बाद अब जो हमने पहली बार ऊपर लिरिक लिया था, तो इस बार इस लिरिक को हम नीचे लेंगे
ताकि आमने सामने लिरिक्स आए और इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे एंड पे आकर इसे इस पर हम ऊपर कर लेंगे। लिरिक पे आके हम इसे ऊपर कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे इसे ग्राफ दे देंगे, इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। तो वैसे इतना होने के बाद हमारा लिरिक कुछ इस तरह से आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो वैसे सिंपल से इतना होने के बाद नीचे वाले लिरिक पे आना है, जो हमारा बड़ा लिरिक है उसमें जाके एड इफेक्ट में जाना है और एक टेक्स्ट स्पीचिंग वाला ये इफेक्ट है ये वाला ले लेना है। और यहाँ पे 10 पे कर लेना है इसे। बस इतना करने के बाद इसे छोड़ देना है। तो बस इतना होने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा स्टेटस पूरा हो चुका है, तो सिंपल से यहाँ पे इन दोनों को मार्क कर लेना है और यहाँ डुप्लीकेट पे जाके यहाँ से कॉपी टू लेयर कर लेना है। और यहाँ पे अब आपको जैसे भी लिरिक हो, वैसे यहाँ से मुझे लिरिक दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर देता हूँ। तो बस इतना होने के बाद माना कि हमारा लेयर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, तो इस लेयर पे क्लिक करना है और ये स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर लेना है, और यहाँ से भी फिर स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके इसे थोड़ा छोटा कर लेना। तो वैसे ये तो हो गया हमारा सिंपल सा। और अगर हमने यहाँ से ये पेस्ट किया, फिर से ये पेस्ट किया और हमारा लिरिक यहाँ तक आता है थोड़ा आगे, तो फिर से आपको इस पे टिक करना है और यहाँ स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके और इससे अब आगे कर लेना है। तो वैसे बस हमारा सब कुछ हो चुका है, तो ऐसे आगे कर लेना है। तो आगे पीछे जो भी आता है वैसा कर लेना है, आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इतना होने के बाद आपको सिंपल से वीडियो को सेव कर लेना है। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा अगर लाइक कर देते हो। तो इसे आप एक्सपोर्ट कर लेना है और फिर आपको जाना है सिंपल से। तो गाइस उतना करने के बाद सिंपल से आपको आ जाना है नोड वीडियो ऐप के अंदर। तो गाइस नोड वीडियो ऐप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से आपको साइज जो भी रखना है वो रख लेना। तो मैं सिंपल से 1:1 रख लेता हूँ और प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाके वीडियो में जाके जो हमने अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को हम ले लेंगे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट में ही होगा, तो मैं सिंपल से ले लिया। तो वैसे लोड हो रहा है, तो सिंपल से हमारा वीडियो आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर लेंगे। हाँ, तो इतना होने के बाद आपको फिर यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ऐसे स्टेटस पे जाना है और यहाँ से ये ग्लो वाला ले लेना है जो भी आपको पसंद हो। तो बस ये तो सारे बंदों को पता ही होगा इफेक्ट कैसे काम करता है वो, तो इसको इतना कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो आपको यहाँ जैसा करना है वैसा कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। तो सिंपल से मैं इतना रख लेता हूँ और यहाँ से भी कलर आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। सिंपल से वाइट ही अच्छा लगेगा, क्योंकि येल्लो और वाइट है तो बिगड़ जाएगा। तो सिंपल से इतना होने के बाद आपको फिर से ये सारा कुछ हो जाएगा सीन। तो बस रेन ड्रॉप वाला आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो सिंपल से मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि पता है वो रेन ड्रॉप वाला काफ़ी फेमस चल रहा है। तो बस इसको मैं ले लेता हूँ और ये रेन ड्रॉप को ले लेता हूँ और यहाँ पे ये बीच वाले लेयर को ऑन कर लेना है और इसको ज़ीरो कर लेना है इसे। तो बस सिंपल से हमारा स्टेटस रेडी हो चुका है और यहाँ से सिंपल से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगले वीडियो के लिए बता देना कि कौन सा वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए। तो गाइस अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा हो एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।